वीडियो ना बनाओ सर वीडियो ना बनाओ सर मेहरबानी देखें आपने देखा कि अदालत में एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसीडिंग हुई है। अदालत ने अपॉर्चुनिटी दी, गाइड भी किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ें एंड नॉट ओनली रिगार्डिंग दी राइट्स ऑफ दी सिटीजन बट रिगार्डिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस देन रिगार्डिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी की जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको बड़ा डिटेल में और जो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान टू एनी सिटीजन और जो स्टेट और जो पर्टिकुलरली किसी भी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अदालत ने कॉम्प्रीहेंसिवली एग्जामिन किया और उनकी असिस्टेंस एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट व्हिच एवर क्वेश्चन वॉज बीइंग पुट उसके मुताबिक की गई। सब्सिक्वेंटली अदालत के अंदर कॉम्प्रीहेंसिव जितनी एफआईआर में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शन हैं उनको पढ़ा गया, उनको एग्जामिन किया गया। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान पीनल कोड की जितने सेक्शंस हैं, जितनी एफआईआर में जो सिमिलर चार्जेस हैं उनको डिटेल में एग्जामिन किया गया। उनकी नॉट ओनली दिस कि उनकी लैंग्वेज पढ़ी गई, सेक्शंस की डिफिनेशंस को देखा गया बल्कि कमेंट्री पढ़ी गई और एक्सप्लेनेशंस तक भी उनसे पढ़ी गई और उसके बाद अदालत ने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सर्टन जो सेक्शंस एप्लीकेबल हैं उनको भी एग्जामिन किया और उसके बाद आपने देखा कि अदालत में एक बड़े रीजनेबल वे में इससे ज्यादा बेहतर कोर्ट की ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स हो नहीं सकती। कोर्ट ने वेरी काइंडली वेरी ग्रेशियसली कर्टसी एक्सटेंड की, बहुत बड़ी ग्रेस से उसका मुजाहरा किया कि दो चीजों पे वी हैव ऑलरेडी पुट आर एप्रिसिएशन कि कोर्ट ने इतनी मेहरबानी की कि आज हज का दिन है, आज पब्लिक हॉलीडे है, वी आर पुटिंग आर एप्रिसिएशन रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड द ग्रेस एंड द मर्सी दैट हैज बीन शोन बाय द जुडिशरी पर्टिकुलरली नाउ लाहौर हाई कोर्ट और जिन ऑनरेबल जज के सामने हम पेश हुए हैं ही हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड ही हैज बीन एक्सट्रीमली ग्रेशियस थ्रू आउट दी एंटायर प्रोसीडिंग उसकी अप्रिसिएशन हम रखते हैं। इस वक्त तक अदालत ने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो पार्टीज हैं हमारी जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आइदर एडवोकेट जनरल और एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफिस को इंश्योर करने के लिए अबाउट 30 से प्रेजेंटेशन आधे एंड दे शुड ऑल्सो बी हेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ के अदालत की कार्रवाई मजीद बढ़ सके। तो वक्फे में समात है, मैंने पहले एक पब्लिक रिक्वेस्ट की थी जब हम कैंट कोर्ट्स में थे और पुलिस 1 बजे तक इमरान रियाज खान को लेके कैंट कोर्ट्स ना पहुंची थी, उधर हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड चूंकि ये सेम सारे का सारा मुद्दा ये सारे के सारे केसेस बशमूल लाहौर की एफआईआर अब लाहौर हाई कोर्ट में क्योंकि जेर समात है एंड दैट इज ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एपेक्स कोर्ट ऑफ द प्रोविंस एंड दैट इज हैविंग ए फर्स्ट राइट ऑफ ऑडियंस और जिसकी बेसिस पे और नीचे जो हमारी ट्रायल कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट है उसमें भी इक्वल राइट ऑफ ऑडियंस और रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन चूंकि एक बड़ी अदालत ने हमें 1 बजे के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया और दूसरी साइड से कोई भी शख्स उस वक्त तक इमरान रियाज को लेकर ना आया तो फिर हम यहां पे पहले आए और हमने यहां पे अदालत ने मुफस्सिल तौर पर चीजों को एग्जामिन करने के बाद समाप्त दी है। लेकिन हमें अब बताया जा रहा है कि पुलिस बावजूद इसके कि अब मैटर जो है दैट इज बीन टेकन अप बाय लाहौर हाई कोर्ट अभी तक हद से ज्यादा बदनीति पे पूरी उतरी है कि हमारी पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद पब्लिक स्टेटमेंट के बाद लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी होने के बाद मीडिया के थ्रू रिपोर्ट होने के बाद के लाहौर हाई कोर्ट में मैटर है और मुझे 2 से 3 मरतबा इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर साहब का टेलीफोन आया है और उनसे भी मैंने बार बार यही रिक्वेस्ट किया। उन्होंने पूछा कि आप क्या लाहौर हाई कोर्ट में है, क्या यह दुरुस्त है कि प्रोसीडिंग चल पड़ी है, तो उनको 2 से 3 मरतबा इंडिपेंडेंटली बार बार मुतला किया गया कि पहले थोड़ी सी ग्रेस शो करें, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में अदालतों में तो तफ्तीशी अफसरान जब आपने इमरान को गिरफ्तार करना था तो 5-5 प्रोविंस की पुलिस पूरी पूरी रात वहां पे खड़ी रही है, 40-40 पुलिस की गाड़ियां आप लेके आते रहे हैं, स्टेट के रिसोर्सेज को आपने अब्यूज किया, मिसयूज किया और वेस्ट किया है, वहां पे आपकी फुर्तियां इतनी ज्यादा थी कि आप 24-24 घंटे खड़े रहे हैं। अब जबकि
ट्रांसपेरेंसी का, इक्विटी का और नेचुरल ज्यूरिसप्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मामला है कि दैट नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, उसको विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन आपको पता भी है और ये पब्लिक प्रोसीडिंग चल रही है। इतना ज्यादा वकला, इतनी ज्यादा मीडिया और इतनी पब्लिक जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर मौजूद है, उसके बावजूद भी ये मैलाफाइड और फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट का सिलसिला जारी है, जो कि लाहौर ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट के नोटिस में भी कोशिश की जाएगी कि वापस लेके आएंगे। और इस वक्त मुझे बताया जा रहा है बाय माई ऑफिस एसोसिएट के इनको टेलीफोन आया और मीडिया के जरिए भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पेश कर दिया गया है। ये आप जो नाकाबले माफी और ये जो आप बेशरम रवैया जो रख रहे हैं और जो कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लॉयर की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको डिनाई किया जा रहा है, उसके लॉयर की रिप्रेजेंटेशन को डिनाई किया जा रहा है, दिस अमाउंट्स टू अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इमरान को सुने बगैर, उसके वकील को सुने बगैर, मौका दिए बगैर नीचे वाली प्रोसीडिंग का फैसला नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में इस वक्त दलायल देके दो घंटे तक समाअत हुई है, अभी निकले हैं और अभी मजीद समाअत और दलायल बाकी हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे स्टकअप हैं। आप अभी भी जोन सा है, मैं पब्लिक के थ्रू जोन सा है अथॉरिटी से अपील कर रहा हूँ, जिनका पहले ही बिहेवियर बड़ा कंटेम्पचुअस है, मजीद इस तरह के काम करने से बाज रहें, उसके फंडामेंटल गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ब्रीच मत करें। आपने बार बार किया, अभी भी रुक जाएं, अदालतों को इंसाफ और कानून के मुताबिक बराए मेहरबानी फैसले करने दें, ऐसे मत करें। ये आपकी जो बदनीति है और ये जो आपकी बेईमानी है और ये जो बेशरम हरकतें आप कर रहे हैं, कम से कम ये मत करें। आपने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन इस हद तक अदालतों के साथ मत करें, ये मेरी जो सदा है। बाकी सवाल जवाब अभी अवॉइड करें, चूंकि मैटर जो है वो इस वक्त अदालत के अंदर जेर समात है, पेंडिंग है। सो किसी भी पार्टी का, आइदर गवर्नमेंट का या इमरान का केस प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। प्रोसीडिंग के बाद जब कंक्लूड हो जाएगी उसका